नमस्कार, मैं अमन झा बिफोर प्रिंट डॉट इन में आपका स्वागत करता हूं। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होना है। चुनाव की तिथि 5 दिसंबर की तय की गई है। 22 नवंबर से नामांकन पर्चा बिकने शुरू हुए थे। 24 से 26 नवंबर तक नामांकन पर्चा जमा करने की तिथि घोषित की गई थी। 24 से 25 नवंबर में जो उम्मीदवार थे पटना विश्वविद्यालय के सेंट्रल पैनल या काउंसिल मेंबर से किसी ने भी अपने नामांकन पर्चा को दाखिल नहीं किया, जबकि आज 26 नवंबर है, अंतिम तिथि है। तो आज सभी सक्रिय संगठन जो पटना विश्वविद्यालय के हैं, सभी अपने उम्मीदवारों के साथ पहुंचकर नामांकन पर्चा को दाखिल किया है। आपको बताते चलें कि 2017-18 सत्र के अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बागी छात्र नेता थे, उन्होंने सत्र 18-19 में जनता दल यूनाइटेड के छात्र संगठन को अपना समर्थन देते हुए सभी छात्रों से वोट करने के लिए अपील की है। जदयू के सेंट्रल पैनल के उम्मीदवार कुछ इस प्रकार हैं। अध्यक्ष पद के लिए मोहित प्रकाश, उपाध्यक्ष पद के लिए आशीष पुष्कर, महासचिव पद के लिए अदिति शाह, संयुक्त सचिव पद के लिए अरविंद कुमार, तो वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए कुमार सत्यम ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। दूसरी तरफ देखें तो इस बार वाम दल के दो बड़े संगठन AISF और आईसा के साथ छात्र राजद संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। उम्मीदवारों के नाम कुछ इस प्रकार होंगे। अध्यक्ष भाग्य भारती, जो AISF से हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए गगन यादव, RJD से हैं। महासचिव पद के लिए प्रियंका प्रियदर्शिनी, जो आईसा से हैं। संयुक्त सचिव के लिए तौसिक आफत, जो आईसा से हैं। तो वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए विक्रांत कुमार, RJD से ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस बार जन अधिकार छात्र परिषद से अध्यक्ष पद के लिए सुजीत कुमार, उपाध्यक्ष पद के लिए मानसी सिन्हा, महासचिव पद के लिए रोशन कुमार, संयुक्त सचिव के लिए शौकत अली, तो वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए मनदीप कुमार ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सेंट्रल पैनल पर अध्यक्ष पद के लिए अभिनव शर्मा, उपाध्यक्ष पद के लिए अंजना सिंह, महासचिव पद के लिए मणिकांत मणि, संयुक्त सचिव के लिए राजा रवि, तो वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए सत्यम प्रकाश ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। आपको बता दें कि निर्दलीय से उपाध्यक्ष पद के लिए अभिषेक कुमार उर्फ गजेंद्र मुन्ना ने अपना नामांकन कराया है। पटना से बिफोर प्रिंट के लिए अमन झा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।